आदरणीय सभापति जी, मैं आज कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, चौधरी देवीलाल जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, पंजाब में सरदार बादल सिंह बादल की सरकार के किसने बर्खास्त किया था, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को बदनाम करने के लिए किसने डर्टी ट्रिक्स का उपयोग किया था, कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े और एसआर मुंबई की सरकार को किसने कराया था, 50 के दशक में केरला की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को किसने गिराया था, उस कालखंड में 50 साल पहले तमिलनाडु में इमरजेंसी के दौरान करुणानिधि जी की सरकार को किसने गिराया था, 1980 में एमजीआर की सरकार को किसने डिस्मिस किया था, आंध्र प्रदेश में किसने एनटीआर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी और वो भी जब वो बीमार थे, वो कौन सा दल है जिसने मुलायम सिंह जी यादव जी को सिर्फ इसलिए तंग किया था क्योंकि मुलायम सिंह जी केंद्र की बातों के साथ सहमत नहीं होते थे, कांग्रेस ने अपने नेताओं तक नहीं छोड़ा। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार अहम भूमिका निभाई, उसके साथ क्या किया, जिस आंध्र ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया उनके साथ क्या किया, उन्होंने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया, माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई, क्या यह तरीका ठीक था क्या?